सबसे पहले HDFC से आई पूरी टीम, मिस्टर विपिन, ये मैडम मान और सारी HDFC की टीम, एक्सपर्ट्स जो हमारे पास बाहर से आए हैं, मेरे साथी DSP साहिबान, सभी SHOs, इंचार्ज स्पेशल स्टाफ, साइबर डेस्क पे तैनात सभी जो मुलाजिम हैं, और आप सबका इस मीटिंग में स्वागत। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा HDFC की टीम का, क्योंकि उन्होंने हमारी जो रिक्वेस्ट थी कि एक हमारे एम्प्लॉयज़ को साइबर फ्रॉड, जिसमें विशेष तौर पे बैंकिंग फ्रॉड से संबंधित जो जानकारी है उसको दें, जो कि हमें बेटर इन्वेस्टिगेशन करने में सहायक हो, उस रिक्वेस्ट को बहुत जल्दी एक्सेप्ट किया। ये मेरी पिछली पोस्टिंग में भी जो मिस्टर विपिन हैं, जो अब पूरे हरियाणा स्टेट के हरियाणा पुलिस के HDFC की ओर से हमारे सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हैं और मैं ये कहूँगा सारी रिलेशनशिप मैनेज कर रहे हैं, उनका इसमें बहुत योगदान है। और इधर जगाधरी की जो क्लस्टर मैनेजर हैं ये मैडम मान, इन्होंने भी इसमें बहुत क्विकली रिएक्ट करते हुए ये वर्कशॉप हम ट्रेनिंग प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इसमें। और आप सब के लिए ये टेक अवे है इसमें कि मैं ये चाहूँगा, बाकी तो एक्सपर्ट्स बताएंगे, कि जो बेसिक्स हैं वो ये इसके बारे में बताएंगे। मुख्य तौर पे तो यही है कि हमें कोई भी अगर बैंकिंग फ्रॉड हो जाता है या साइबर फ्रॉड जिसमें बैंकिंग इंटरमीडियरी है, तो उसमें पुलिस को किस टाइप से बैंकिंग इंफॉर्मेशन मिल सकती है, या कोई वॉलेट इंफॉर्मेशन मिल सकती है पेटीएम इत्यादि की, या कोई जो ये अगर कार्ड है तो वो कार्ड कहाँ पे यूज हुआ, कैसे यूज हुआ। और इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि अगर कोई जैसे 91 CRPC का, या आप कोई भी इंफॉर्मेशन जब लेना चाहते हैं, वो इंफॉर्मेशन कैसे ली जानी है, उसमें बारीकियाँ क्या हैं, उनको आप ध्यान से समझें, और अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो वो क्वेश्चन भी ज़रूर पूछें। और लास्ट टाइम भी जब पंचकुला की टीम ने इनके साथ इंटरेक्ट किया था, तो वो शुरुआत में तो हमने यही सोचा था कि वो 1.5 घंटा सेशन चलेगा, पर फिर भी जो वो सेशन है वो एक्सटेंड हुआ। और मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी सुपरवाइजरी ऑफिसर से भी, आप भी इसमें समझें, और जो यहाँ पे मौजूद हैं अभी वो जाके बाकी जो ऑफिशियल्स अभी नहीं आ पाए उनके साथ भी ये शेयर करें। और मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, क्योंकि हम सबके पास टाइम लिमिटेड है, और जो एक्सपर्ट्स भी यहाँ पे आए हैं ज़्यादा टाइम वो भी इसमें लगाएं, और आपकी आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन भी दें, और आपकी जो कोई क्वेरीज हैं उसको भी सॉल्व करें। और एक आखिरी चीज जो है वो इसको ध्यान में रखें कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये ना केवल साइबर फ्रॉड या कोई ऑनलाइन फ्रॉड में सहायक होगी, बट अदरवाइज भी कहीं आपकी कोई किसी जो हमारी ट्रेडिशनल क्राइम है उसमें भी काफ़ी बार ये होता है कि कोई बैंकिंग का एलिमेंट होता है, कोई ऑनलाइन उसको यूज करता है किसी कार्ड को या नेट बैंकिंग या वॉलेट के माध्यम से, तो उसके लिए भी आपको ये सहायक होगी। इसलिए कृपया अपने फोन्स को म्यूट पे रखें, और अनलेस कोई बहुत ही ज़्यादा आपको अति आवश्यक कार्य ना हो तो आप इसको पूरा सुने और इससे मैक्सिमम बेनिफिट डिराइव करें। यहाँ पे आई HDFC बैंकिंग टीम का फिर से बहुत बहुत स्वागत, और मैं आशा करता हूँ आपके लिए भी ये सेशन जो है वो फ्रूटफुल होगा। थैंक यू वंस अगेन। बहुत ज्यादा फ्रॉड्स हो रहे हैं, और सिर्फ दिक्कत ये है कि छोटी छोटी गलतियां हो रही है। मोबाइल को हम अपने 4 डिजिट के पिन से लॉक करते हैं ना, बहुत सारे लोग पैटर्न भी करते हैं, क्विकर पिन भी लगाते हैं, अब वही पिन को UPI पिन भी बना देते हैं। अब उसमें क्या होता है कि जब UPI एप्लीकेशन खोल रहा होता है तो वो 4 डिजिट का पिन पूछता है, तो हमें ये पता नहीं लग पाता कि वो 4 डिजिट का पिन फोन का पिन है कि एप्लीकेशन का पिन है कि UPI का एक्चुअली में ऑथेंटिकेशन पास पिन है। तो सब हमने एक ही पिन रख दिया, उसकी वजह से ट्रांजेक्शन हो जाता है, और लोग कहते हैं कि मुझे तो पता ही नहीं लगा कि ट्रांजेक्शन हुआ कैसे। तो उस समय वैसे सिनेरियो में जब हम कस्टमर से बात करते हैं कि आपका पिन क्या रखा था, अपना मोबाइल पिन भी सेम था, ये सब सेम था, ATM का पिन भी सेम था, तो अब इसमें बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस हैं। तो आपको ध्यान रखने की जरूरत है, ATM का पिन को अलग रखिए,
यूपीआई पिन को नॉर्मल फोन के पिन से अलग रखिए, तब आपको पता लगेगा ना कि ये पिन मैच नहीं कर रहा, वो अपने आप एरर देगा, आपको क्लैरिटी आ जाएगी। भाई करें ठीक है, और मेरे को बताएंगे फिर क्या कार्रवाई की उसमें जी। साइबर क्राइम हम सबको पता है कि वृद्धि पे है, अलग अलग किस्म से जो साइबर क्रिमिनल्स हैं वो, क्योंकि ये एक बॉर्डरलेस क्राइम है, इसमें अगर जो विक्टिम है वो यमुनानगर में है या हरियाणा के किसी भी भाग में है तो ज़रूरी नहीं है कि क्रिमिनल को उसके विक्टिम के पास आना होगा। ये दूर दराज इलाके में, किसी अन्य ज़िले में, किसी अन्य प्रांत में, किसी अन्य देश से भी इस प्रकार साइबर क्राइम को अंजाम दे सकता है। इस बारे में यमुनानगर पुलिस और हरियाणा पुलिस लगातार जो है वो एडवाइजरीज जारी करती है, प्रेस के माध्यम से भी और अपने ट्विटर और फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट्स के माध्यम से भी। इस संदर्भ में भारत सरकार और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है उनका भी जो है अलग अलग पोर्टल्स हैं, साइबर सेफ पोर्टल है, और इस संदर्भ में नेशनल क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल भी बनाया गया है जिसका यूआरएल है www.cybercrime.gov.in। इस पे, इस पोर्टल पे और 1930 हेल्पलाइन पर भी अगर कोई भी किसी के साथ कोई साइबर क्राइम की घटना घटती है या कोई अटेम्प्ट होता है तो वो इस बारे में सूचना या तो इस पोर्टल में या 1930 हेल्पलाइन नंबर पे दे सकता है। हरियाणा पुलिस ने भी इस बारे में माननीय पुलिस महानिदेशक के आदेशों अनुसार प्रत्येक थाने में साइबर डेस्क जो है वो स्थापित किए हैं, जहां पे कोई भी नागरिक जो है वो इस प्रकार साइबर क्राइम की सूचना दे सकता है और उस पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसके अतिरिक्त हरियाणा पुलिस द्वारा हर ज़िले में, अब पहले रेंज लेवल पे और अब हर ज़िले में भी साइबर क्राइम थाना जो है विशेष तौर पे वो सैंक्शन हो गया है। रेंज लेवल पे ये थाने अभी सुचारू रूप से चल रहे हैं, इनको और सुदृढ़ किया जाएगा और जैसे ही इस संदर्भ में जो जिला स्तर पे हैं बिल्डिंग और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनलाइज हो जाता है तो साइबर क्राइम थाने भी जिला स्तर पे भी काम करना शुरू कर देंगे। तो जैसा कि ये विभिन्न स्तर पे जो है वो काम किया जा रहा है, तैयारी है, इसके साथ साथ जो हमारे हरियाणा पुलिस के मुलाजिम भी हैं उनको भी लगातार ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है। ये ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भी साइट्रेन पोर्टल है और अन्य पोर्टल्स हैं जिनके माध्यम से ऑनलाइन ट्रेनिंग हिंदी और अंग्रेजी भाषा में लगातार हमारे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स को दी जा रही है कि किस प्रकार साइबर क्राइम के इंसिडेंट्स को हैंडल करना है। उसमें वैक्सीनेशन नहीं लगा, बिजली का बिल नहीं भरवा, ऐसे ऐसे क्योंकि सरकार के नाम पर भोली भाली जनता को ठग लेते हैं, तो एक जनता को क्या एडवाइस करें कि जनता अपने आप को कैसे बचाए? देखिए, जनता को बचने के लिए जो साइबर क्रिमिनल की मानसिकता है उसको समझना पड़ेगा। किसी भी क्रिमिनल की जो मानसिकता होती है वो विक्टिम को भय और लालच, इन दो जो जो अपने हथकंडे हैं उनके तहत वो उनको फंसाने की कोशिश करता है। इसलिए इससे दूर रहें। अगर कोई भी सस्पिशियस, कोई भी संदिग्ध लिंक आपको लगता है उसको क्लिक ना करें, क्योंकि उससे आपका फ़ोन कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, हैक हो सकता है। कोई भी डाउटफुल अगर आपको लिंक मिलता है या कोई भी घटना अगर आपके साथ घट जाती है तो जैसे मैंने बताया तुरंत 1930 पे कॉल करें या साइबर क्राइम, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पे जाएं और इससे अपना बचाव जो है वो रखें। और अवेयरनेस बच्चों को जो ज़्यादातर ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं, कुछ ऐसे बुज़ुर्गों को जिन्होंने अभी इस डिजिटल एज में स्मार्टफोन यूज़ करना शुरू किया है उसको देखें। किसी भी अननोन व्यक्ति से बात, अपना ओटीपी शेयर ना करें और अपनी पर्सनल डिटेल्स जो हैं वो ना शेयर करें। कोई आपके गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड इत्यादि जो हैं उनके नंबर्स आप शेयर ना करें, क्योंकि इसमें जागरूकता और सजग रहने से ही बचाव है और उसी से ही आपकी जो साइबर क्राइम से आप बचे रहेंगे। अगर हम साइबर फ्रॉड्स की बात करें तो लास्ट ईयर तक जो
अराउंड 57-56 करोड़ का साइबर फ्रॉड रिपोर्ट हुआ था, बट दिस ईयर दिस फाइनेंशियल ईयर इट हैज यू नो इंक्रीज टू अराउंड 67-68 करोड़। सो कहीं ना कहीं जो साइबर फ्रॉड के जो इंस्टेंसेस हैं, जो यू नो साइबर क्रिमिनल्स हैं, कहीं ना कहीं वो नंबर्स बहुत इंक्रीज हो रहे हैं और बड़े फास्टर यू नो स्पीड से हो रहे हैं। तो इसी के डिस्कशन के साथ हमने मोहित सर से डिस्कशन की एंड आई एम रियली रियली थैंकफुल टू मोहित सर, ही इज सो इनोवेटिव। जब भी हम इनसे मिलते हैं तो हमेशा वो यही कोशिश करते हैं कि हम किस तरीके से ट्रैफिक में चेंज ला के लेके आ सकते हैं इस एरिया में, किस तरीके से हम साइबर फ्रॉड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो विद हिज परमिशन वी गॉट दिस सेमिनार ऑर्गेनाइज्ड and Vipin has already done multiple such seminars in Panchkula also. We are working very very closely with Haryana Police. We know that we are your primary bank. तो कहीं ना कहीं as a bank ये हमारी responsibility बनती है कि हम इसके लिए जो हमारी knowledge है, because अगर knowledge हम सबकी upgrade होगी तो कहीं ना कहीं fraudsters और criminals will have very tough time. तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने आज एक ये जो interactive session है ये ऑर्गेनाइज किया है। सो मेरी सबसे रिक्वेस्ट यही है दैट हम मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछें, जितनी भी आपकी क्वेरीज हैं हम उसको आज एड्रेस कर पाएं और जब हम ये सेशन को ओवर करें एटलीस्ट हम कुछ नॉलेज इस सेशन से लेके जाएं। सो थैंक यू वंस अगेन मोहित।